आज हमारे साथ हार्वर्ड ब्लॉक से नामांकन के लिए नगर उतारी जा रहे हैं आदित्य कुमार गुप्ता जी हैं, उम्मीदवार हैं इस बार जो है भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आदित्य गुप्ता जी फॉरवर्ड ब्लॉक से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आदित्य जी आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सबों को प्रणाम मेरा। मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के तरफ से मुझे टिकट मिला है और मैं अभी विधानसभा चुनाव नामांकन के लिए आज नगर उतारी जा रहा हूं। और मैं बहुत लगन के साथ इस चुनाव में आया हूं और बहुत कुछ सोच कर आया हूं इस चुनाव में। आप नामांकन के लिए जा रहे हैं, आपके साथ काफ़ी युवा खड़े हैं, आपका हमको लग रहा है कि युवा लोग भी आपको सहयोग दे रहे हैं, आपके साथ युवा लोग खड़े हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, युवा खड़ा होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पार्टी है, इसमें युवा तो खड़ा ही होंगे ही, क्योंकि युवा को लेकर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना लड़ाई लड़े थे देश आज़ाद कराने के लिए, और उनका पार्टी है तो युवा इसमें जाएंगे ही। और युवा के साथ बहुत ही यहाँ पे नाइंसाफी हो रहा है, यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पा रहा है युवाओं को और यहाँ पे किसी तरह का हक नहीं मिल पा रहा है युवाओं को, युवा बिल्कुल बेरोजगार है। तो ये आपका अपना पर्सनल निर्णय है कि युवाओं का निर्णय जो है आपको मिला है, समर्थन मिला है कि आप चुनाव लड़िए, युवा आपके साथ हैं? नहीं नहीं, हमें युवाओं का साथ मिला है और युवा लोग बोले कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और आप हमारे दोस्त भी हैं, आप आइए और हम आपका साथ भी देंगे और आप यहाँ से जीत कर रांची जाइए और हम लोग का कम से कम एक बार ध्यान दे दीजिए हम लोग पर भी। अच्छा, यहाँ जो है आज नामांकन के लिए जा रहे हैं, आपके साथ युवा भी हैं, क्या ऐसा हुआ, मतलब क्या आप महसूस किए? आप पेशे से पहले पत्रकार भी रहे हैं, काफ़ी दिनों तक लोगों के बीच में जाकर के समाज सेवा का काम किया है, पत्रकारिता से नहीं हुआ, राजनीति में आकर के राजनीति से होगा? देखिए, यहाँ पे हम सभी नेताओं के झूठा वादा छापते छापते हम खुद, मतलब हमारे अंदर आया कि केवल यहाँ पे वादा होता है, झूठा वादा होता है, और वो छापते छापते हमें विचार में आया कि मैं भी एक स्वच्छ छवि का नेता बनूं और यहाँ पे युवाओं को जो भी समस्या है उसका समाधान करूं। केवल यहाँ पे वादा होता है और मैं वादा नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे अब काम होगा। आप जो हैं, मैंने आपको कोई ऐसा घटना जो है उसका जिक्र हम चाहेंगे करेंगे, कौन ऐसा घटना हुआ जो आपको झकझोर दिया, अंदर से झकझोर दिया और राजनीति में आना पड़ा? देखिए, हमें एक ही घटना हमको झकझोरा है और दिल पे वो गहरा चोट देकर झकझोरा है। मैं पहले इंडियन आर्मी का तैयारी करता था, मतलब मेरा मकसद था केवल मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। बीच में जैसे 2021 में हम लोग दौड़ोगरा निकाले, सब उसका प्रक्रिया किए, अचानक हम लोग का जैसे 23 एज हो गया था, 2021 में 23 एज हो गया था, तो हम लोग दौड़ निकाले, मेडिकल हुआ और गए हम लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे अचानक अनाउंस हुआ कि अब इन लोग का एग्ज़ाम निरस्त करके और यहाँ पे अब अग्निवीर का बहाली किया जाएगा। मेरा उनसे यही अपील था कि जो युवा दौड़ निकाल दिए थे, मेडिकल हो गया था, उनका कम से कम तो एग्ज़ाम ले लिया जाता, लास्ट एज था उनका, 23 एज चल रहा था, उनको कम से कम भर्ती कर लिया जाता, सेना में शामिल कर लिया जाता, इसके बाद अग्निवीर लाया गया था तो अग्निवीर भी चलाया जाता, वैसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अग्निवीर ख़राब नहीं है, सबको सेवा करने का उसमें मौका मिलेगा, आर्मी है तो मैं आर्मी को दिल से मानता हूँ, इसलिए मैं आर्मी में जाना चाहता था और नहीं जा पाया। तो हमें याद आया कि एक नेताजी का पार्टी है, जो नेताजी आज़ाद हिंद फौज गठन करके लड़े थे, मैं नेताजी के पार्टी में शामिल होऊंगा और मेरा शायद वहां पे सपना साकार होगा, मैं इसी के उम्मीद से इस पार्टी में आया हूं। अभी जो है क्षेत्र में कई तरह की समस्या है, आप उस समस्या को देखेंगे, देखते भी होंगे और कैसे उसको दूर करेंगे? समस्या यहाँ तो बहुत सारा है, दूर करने का
इरादा तो हमें बहुत पहले से है कि यहाँ पे समस्या है तो दूर हम करेंगे। हमको जब मौका मिलेगा तो हम दूर एकदम निश्चित करेंगे तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। यहाँ से लोग बाहर काम करने जाते हैं, वहाँ जाते हैं किन्हीं का एक्सीडेंट हो जाता है, किन्हीं का मौत हो जाता है, वो गांव में आते हैं, सौ गांव में आता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आज उसके साथ ऐसा हुआ। अगर हमारे यहाँ रोजगार होता तो वो बाहर नहीं जाते, उनको कुछ होता नहीं। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ जो निर्णय लिया गया था कि यहाँ पे पावर प्लांट लगेगा, सीमेंट फैक्ट्री लगेगा, यहाँ पे वो लगाया नहीं गया, केवल झूठा वादा किया गया। अगर हम यहाँ से अगर निर्वाचित होते हैं तो मैं ज़रूर ये वादा करता हूँ कि मैं अपने संघर्ष से इस काम को पूरा करूँगा। जैसे यहाँ का समस्या तो है ही, जैसे पलायन है, पलायन को आप कैसे रोकेंगे? अगर मौका आपको पब्लिक देता है, आप जो हैं निर्वाचित होते हैं, तो यहाँ पलायन कैसे रोकेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे पलायन रोकने का कई तरीका है। जैसे अपना खुद का लोगों का बिजनेस हो, यहाँ पे प्लांट लग जाए, कंपनियाँ लग जाए, और वो कंपनियाँ लगने के बाद, प्लांट लगने के बाद यहाँ पे कुछ कर्मचारी बहाल हो जाएंगे, वो कर्मचारी काम करेंगे, कई एक लोग दुकान खोलकर काम करेंगे, मतलब हर तरह से इनकम होगा, यहाँ पे रोजगार मने बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है, आप जैसे अभी तक जितने भी निर्वाचित हुए हैं विधायक या सांसद, क्या कमी रह गया है, विकास हुआ या नहीं हुआ, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई क्षेत्र में विकास हुआ है, अगर यहाँ पे हम कहें कि यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आज के लीडर लोग यही करते हैं कि आपको चाहिए क्या, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं कि शिक्षा हमको चाहिए। अगर वो हमें हर घर को आप शिक्षित कर दीजिएगा तो हमें देखना नहीं पड़ेगा, ये दिन हमें देखना नहीं पड़ेगा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है या यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है किसी भी चीज़ का। हमारे यहाँ शिक्षा दुरुस्त हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा, हम लोग खुद रोटी कपड़ा मकान करेंगे क्या, हम लोग खुद खींच कर ले लाएंगे, हम शिक्षित रहेंगे तो कहीं से हम ले लाएंगे वो खींच करके। सरकार जो है शिक्षा में तो व्यापक पैमाने पर सुधार कर रही है, आगे भी करती रहेगी, सुधार तो हो रहा है। सुधार यहाँ पे देखिए, हम कहिए को स्कूल में गए, बच्चा लोग से पूछे, पाँच में सात में पढ़ रहा है, आठ में पढ़ रहा है, लेकिन उनको जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, उनको गुना भाग नहीं आ रहा है, उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है। तो अगर अच्छा यहाँ पे व्यवस्था होता तो साथ में जाने के बाद लड़का लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बड़े घर के लोग हैं नहीं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएंगे। हम भी सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो हम सरकारी स्कूल का तो मतलब बढ़ावा देंगे, और उसमें जो भी लड़का पढ़े हमारे सरकारी स्कूल से पढ़ करके और अच्छा पद पे जाके नौकरी करे। अच्छा, मतलब शिक्षा में सुधार किस टाइप को सरकार को करना चाहिए? शिक्षा में सुधार सरकार को ये देखना चाहिए कि बच्चा लोग अगर एक में है तो उसको एक का सिलेबस जो है उसको कंप्लीट तरह से आना चाहिए। पाँच में है बच्चा तो पाँच में जो पढ़ाई होता है उसका जो सिलेबस है उसको अच्छा तरह से उसको ज्ञान होना चाहिए और उस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई कराया जाए। जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है घंटी वाइज, फलना अभी पहला घंटी में फलना सब्जेक्ट होगा, फलना घंटी के बाद मैथ होगा, इंग्लिश होगा, वैसे करके यहाँ घंटी वाइज भी जाकर पढ़ाई कराएं, या पढ़ाई दुरुस्त कराएंगे जा करके कि अब घंटी वाइज पढ़ाइए, और जैसे जो नियम स्कूल प्राइवेट में चलता है वो सरकारी में चले, वैसा ही पढ़ाई करें। सरकारी में तो प्राइवेट में देखते हैं कि वहाँ पे 10 पास, इंटर पास ऐसे लोग भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, एक दो क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में यहाँ पे स्नातक करके टीचर का कंपटीशन निकाल के, बीएड करके, एमए करके आते हैं, तो उनके पास डिग्री ज़्यादा है, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है। अगर ढिलाई नहीं करेंगे तो हमारा प्राइवेट स्कूल से अच्छा हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा। अगर मैंने सरकार उस टाइप का व्यवस्था कर दे तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आप देख रहे होंगे कि हर तरह के जो है
लोगों के द्वारा व्यापक पैमाने पर जो है खर्चा किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। आप गरीब हैं, आपके साथ उसका उतना संसाधन नहीं है, कैसे उसको मैनेज करेंगे? देखिए, हमारे पास संसाधन तो है नहीं और गरीब फैमिली से हैं हम। जैसे हमारे साथ जो खड़े हैं, एक खुद के कोई 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये करके हमको चंदा दिए हैं और एक गाड़ी करके हम ले जा रहे हैं अपना नामांकन कराने। और आगे मैं जैसे चुनाव में प्रचार करूंगा, हर घर में जाके 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया चंदा मांगूंगा और मैं उसी के माध्यम से अपना प्रचार करूंगा। अगर आज हम उनसे पैसा लेते हैं, फ्री में काम कराएंगे, सब काम कराएंगे। और यही होता है, आज 500 रुपया हम दे दिए, 500 दे ले नैया, ऐसी भोटवा दे ले बड़ा। इस सिस्टम यहाँ हो गया है और हमारे साथ वो नहीं है, हमारे पास नहीं है। मैं उन्हीं के बलबूते पे अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो आपके पार्टी के द्वारा भी इस चुनाव में कुछ कार्यक्रम या व्यवस्था, आपके सपोर्ट में लोग आएंगे? हाँ, वहाँ से हमको बोला गया है कि आप हमको व्यवस्था दीजिएगा, वहाँ रहने का खाने का व्यवस्था रहेगा तो हम वहाँ पे आएंगे। मैंने आप मजबूती के साथ फील्ड में हैं? हाँ, ठीक है।